एशिया कप 2023 के लिए फाइनल हुई भारतीय टीम की 15 सदस्यीय टीम जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल की हुई टीम में वापसी, तो वहीं संजू सैमसन समेत इन खिलाड़ियों को दिखाया गया टीम से बाहर का रास्ता। जानेंगे क्या होगा एशिया कप 2023 में भारतीय टीम का स्क्वाड और साथ में जानेंगे क्या भारतीय टीम पाकिस्तान को हरा पाएगी या फिर नहीं। इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एशिया कप 2023 शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। आपको बता दें 30 अगस्त से एशिया कप की शुरुआत होगी। अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम को अपना पहला मुकाबला 2 सितंबर को खेलना है। ये मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाना है। एशिया कप 2023 के लिए अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो निश्चित तौर पर इस बार हमें कई बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। एशिया कप 2023 में जसप्रीत बुमराह की वापसी होने वाली है। जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं। हालांकि पिछले एक साल से ये गेंदबाज क्रिकेट के मैदान पर नजर नहीं आया था। चोटिल होने की वजह से जसप्रीत बुमराह ना तो T20 वर्ल्ड कप में खेले थे और ना ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में। जसप्रीत बुमराह की कमी लगातार भारतीय टीम के लिए खल रही थी। खैर अब जसप्रीत बुमराह मैदान पर उतर चुके हैं। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए उन्हें भारतीय टीम का कप्तान भी बना दिया गया है। एशिया कप 2023 में जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज रहने वाले हैं। अगर हम जसप्रीत बुमराह की बात करें तो जसप्रीत बुमराह भी वर्ल्ड कप से पहले अपनी फॉर्म और फिटनेस दोनों ही चीजों को हासिल करना चाहेंगे। अगर जसप्रीत बुमराह ने अपनी फॉर्म को हासिल कर लिया तो निश्चित तौर पर वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती। अगर हम केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और भारतीय टीम में वापसी करने को तैयार हैं। आईपीएल के दौरान केएल राहुल चोटिल हुए थे जिसके बाद से वो नहीं खेले थे। केएल राहुल की वापसी भारतीय टीम के लिए एक अच्छी खबर है। केएल राहुल जहां मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे तो वहीं वो विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं। केएल राहुल की वापसी न सिर्फ एशिया कप में बल्कि वर्ल्ड कप के लिए भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केएल राहुल के आने के बाद बैटिंग ऑर्डर काफी मजबूत होने वाला है। श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर अभी तक पूरी तरह से फिट नजर नहीं आ रहे हैं। अगर उन्हें स्क्वाड में मौका मिलता है और अगर उन्हें प्लेइंग 11 में भी शामिल किया जाता है तो ऐसे में सूर्यकुमार यादव को टीम से बाहर बैठना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर की मौजूदगी में सूर्यकुमार यादव की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती। संजू सैमसन को वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार मौके मिले, एक बार फिर से वो बल्ले से बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। संजू सैमसन की खराब फॉर्म कहीं ना कहीं अब उनकी टीम पर सवाल खड़े कर रही है। संजू सैमसन को एशिया कप 2023 से तो बाहर किया जाएगा, अब उनकी वर्ल्ड कप में जगह बननी भी काफी मुश्किल हो चुकी है। एक बार फिर से कुलदीप यादव टीम में नजर आने वाले हैं। कुलदीप यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी की है, खासकर वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनकी गेंदबाजी सबसे बेहतरीन नजर आ रही थी। कुलदीप यादव ने जिस तरीके से वापसी की है निश्चित तौर पर वो वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम के प्रमुख गेंदबाज होंगे। कुलदीप यादव के अलावा यजुवेंद्र चहल भी प्लेइंग 11 का हिस्सा रहने वाले हैं। चहल भी एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, हालांकि उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं रही है। एक बार फिर से कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल की जोड़ी अपनी स्पिन गेंदबाजी से कमाल दिखा सकती है। मोहम्मद शमी भी काफी लंबे वक्त के बाद भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। मोहम्मद शमी एक ऐसे गेंदबाज हैं जो वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए कमाल कर सकते हैं और शायद इसी वजह से एशिया कप में भी उन्हें मौका दिया जाएगा। अगर हम एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड पर एक नजर डालें तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को मौका मिल सकता है। आपको क्या लगता है भारतीय टीम के स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए? क्या भारतीय टीम अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान को हरा पाएगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।